ओम शांति। हाँ तो बताया, स्नान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान का स्नान, एक पानी का स्नान। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और इस स्नान से हम क्या बनते हैं, परी। इस ज्ञान स्नान से हम क्या बनते हैं, परी। लेकिन इस स्नान को कैसे करना है, अशरीरी होके, क्योंकि बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो, क्योंकि सुनने वाली आत्मा है और धारण करने वाली भी आत्मा है। भगवान ने कौन से वस्त्र चुराए, दे अभिमान रूपी वस्त्र। लेकिन श्री कृष्ण को क्यों दिखा दिया है, वस्त्र चुराने वाला है शिव बाबा, लेकिन दिखा दिया है श्री कृष्ण को, क्योंकि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। अब वो ज्ञान कैसे सुनाएगा, उसके लिए तो इस धरती पर आना पड़ेगा, और आएगा तो कैसे आएगा, कोई प्रेरणा से तो सुनाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ता है, पर काया प्रवेश करके भगवान इस धरती पर आते हैं। इसलिए मंदिरों में शिवलिंग दिखाते हैं तो शिवलिंग के आगे क्या दिखाते हैं, नंदी दिखाते हैं। तो इसका भी तो कोई रहस्य होगा, तो इसका रहस्य क्या है कि ज्योति स्वरूप निराकार शिव परमात्मा की जो सवारी है वो क्या है, नंदी। नंदी अर्थात बूढ़ा बैल, बूढ़ा बैल अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा। तो शास्त्रों में दिखाया है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, माना सतयुग में जो विष्णु वाली आत्मा होती है वो पुनर्जन्म लेते लेते लास्ट में 84वें जन्म में क्या बनती है, ब्रह्मा होती है। जब वो साधारण तन वृद्ध होता है उस तन में भगवान प्रवेश करते हैं तो कर्तव्यवाचक नाम क्या देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के तन में भगवान आकर के ये रास लीला कर रहे हैं। एक तो हमें रास करनी है कि अपने संस्कार किससे मिलाने हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण के साथ रास करते थे तो श्री कृष्ण माना नंबर वन वाली आत्मा। तो इस समय वो कौन सी आत्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो हमें क्या मिलान करना है, संस्कारों का मिलान करना है, क्योंकि आने वाली जो दुनिया है दैवी दुनिया है, सतयुगी दुनिया है, हमें देवता बनना है। तो जब हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब तो हम देवता बनेंगे। तो क्या कराते हैं, चीर चुराते हैं। तो उन्होंने फिर दिखा दिया कि वो नदी में स्नान कर रही थी और वो कदम के पेड़ पर बैठे हुए थे, चीर चुरा ले गए थे। तो लोग आज के जो हैं वो समझते हैं जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो हम क्यों ना करें, तो सृष्टि के बिगड़ने का आधार बन गया, निमित्त बन गए। काम अपना करना है और नाम दे देते हैं देवी देवताओं को, भगवान को दे देते हैं। गोपिकाओं को भगाया, कितनी दिखाते हैं, 16108 रानियां दिखाते हैं। अब आप सोचिए 16108 रानियां होंगी तो कितना बड़ा शहर बन जाएगा। और फिर दिखा देते हैं सबके 10-10 बच्चे, क्या ऐसा हो सकता है। तो वास्तव में परमात्मा क्या है, हम सभी आत्माओं का साजन है और हम सभी आत्माएं क्या हैं और हम सबका साथ है। और हरेक क्या अनुभव करता है, शिव बाबा सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, शिव बाबा मुझे करते हैं। तो सिर्फ मैं नहीं समझती हूँ, हर एक यहाँ ये अनुभव करता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्यार मुझे करता है। तो हम कौन है, गोपिकाएं। यहाँ लगभग 50,000 बहने हैं, 50,000 से भी अधिक हैं ब्रह्मा कुमारियां बहने। घरों से कितना संघर्ष करके आई होंगी और कैसे कैसे परिवार होते हैं, और उन परिवारों से भी निकल करके अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना ये कोई साधारण बात है क्या।
तो ये कौन करा सकता है घर से? कहीं कहीं परिवारों में तो बहनों को ज़्यादा बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे परिवारों से भी निकल करके यहाँ ईश्वरीय सेवाओं में जीवन समर्पित किया तो ये कोई साधारण हस्ती नहीं करा सकती। ये कौन करा रहा है? ये भगवान करा रहा है। कोई एक व्यक्ति को क्या वैराग्य दिला सकता है इस दुनिया में? आज की दुनिया को देख रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, चाहे पूरा परिवार एक हो जाए, चाहे दुनिया एक हो जाए, लेकिन सुधार नहीं सकते। और ऐसी दुनिया से बहुत सारी बहनें हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं, इस दुनिया में रहते हुए और इस दुनिया से वैराग्य होना ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सबका प्यार किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है, भगवान के साथ है। तो किसने भगाया? भगाने वाला है शिव बाबा, और नाम रख दिया श्री कृष्ण का। क्या करते थे? माखन चुराते थे। तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान रूपी मक्खन चुराते हैं। गैया चराते थे, तो ये सब कौन है बाबा के बच्चे? गौए। क्या चराते हैं? ज्ञान घास खिलाते हैं। तो श्री कृष्ण क्या थे? सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे, सृष्टि के नंबर वन थे, लेकिन वो दिखाते हैं कि मोर पंख था, श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मोर पवित्र पंछी है, राष्ट्रीय पंछी भी है और पवित्र पंछी भी है, इसलिए श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर पंख दिखा देते हैं। क्योंकि जो दैवी दुनिया होगी वहाँ देवी देवताओं का जो जन्म होगा वो कैसे होगा? योग बल के द्वारा होगा। पवित्र दुनिया होगी, निर्विकारी दुनिया होगी, तो ऐसी दुनिया में चलना है। चलने के लिए हमें क्या करना है? रोजाना शिव बाबा को याद करना है, और दूसरों का भी कनेक्शन हमें किसके साथ कराना है? दूसरों का कनेक्शन भी हमें शिव बाबा के साथ कराना है।